नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए हर किस्म की हर जॉनर की फिल्म लोग पसंद करते हैं, शर्त यह है कि फिल्म अच्छी हो और सब लोगों का काम अच्छा हो, तो हर जॉनर की फिल्म लोग पसंद करते हैं। उस हिसाब से अगर हो टैक्स फ्री तो हम चाहेंगे कि इसका जो लाभ है टैक्स फ्री का लाभ वो ऑडियंस को जाए, कंज्यूमर को जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले फिल्म देखने का। दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी पर आमिर खान ने अपना रिएक्शन दिया है। फिलहाल शाहरुख खान की इस फिल्म का बॉलीवुड में काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ है। एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान आमिर खान भी डंकी पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। आमिर खान से जब डंकी और शाहरुख खान के बारे में पूछा गया तब वो कहते हैं कि डंकी एक सोशल मैसेज वाली फिल्म है, लोग इसे पसंद करेंगे और ये जरूर कोई नया बेंचमार्क सेट करके जाएगी। दोस्तों, डंकी का पूरे इंडिया में बवाल मचा रही है। डंकी का असली धमाका होना शुरू हो चुका है। रिकॉर्ड फाड़कर डंकी नया इतिहास लिखने जा रही है। फिलहाल डंकी की इतनी ज्यादा हाइप है कि देखकर ही लोगों के होश उड़ रहे हैं। फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए ओवरसीज में शाहरुख खान का नाम ही काफी है। दुनिया भर में सभी जगह डंकी की बुकिंग खोलने के बाद जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आ चुकी है। वही दोस्तों, शाहरुख खान इस फिल्म में कॉमेडी सीन में नजर आए। ये फिल्म पूरी तरह से फैमिली के साथ देखने में आपको मजा आने वाला है। इस फिल्म को अब रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है और फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी शानदार नजर आ रही हैं। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने दिखा दिया कि उनके जैसा डायरेक्टर पूरे देश में नहीं है। वही दोस्तों, शाहरुख और राजकुमार हिरानी की सफलता देखकर लगता है फिर से 1000 करोड़ की फिल्म बॉलीवुड में देखने को मिल रही है। दोस्तों, फिल्म की पहले झलक ने ही दिखा दिया है कि शाहरुख खान एक्टिंग के बादशाह है और वो किसी भी तरह फिल्म में किरदार को पकड़ कर रखते हैं। बाकी डंकी की कहानी ही इसकी ताकत है और फिल्म भी काफी मस्ती वाली नजर आ रही है। अब सालार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। सालार और डंकी की जबरदस्त टक्कर के बीच पूरा सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और 3 इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी। दोस्तों, डंकी का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। यूरोपीय देशों से इस बार डंकी जवान से भी ज्यादा कमाई कर सकती है। वही दुबई में भी शाहरुख की फिल्म काफी आगे जाएगी।